इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि मैंने पीछे और भी वीडियो अपलोड किया है, इसी पैनासोनिक जो 150 लीटर का रेफ्रिजरेटर है टीवी दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैंने पीछे और भी वीडियो अपलोड किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पूरी सीरीज अपलोड की है टीवी दोस्तों। आज मैं आपको इसके अंदर हम किस तरह से जो है हमारे जो रेफ्रिजरेटर है हम किस तरह से उसको फ्लशिंग करें, हम किस तरह से अंदर का जो गंदगी होती है या जो ऑयल कचरा वगैरह ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको हम किस तरह से बाहर निकालें, उसके लिए आज आपको मैं छोटा सा जानकारी देने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और मैंने इससे रिलेटेड इसी पैनासोनिक जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो है रिपेयरिंग में आया है, रेफ्रिजरेटर जो रिपेयरिंग में आया है ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी एक पूरी सीरीज बनाई है। उसको कैसे डिस्कार्जिंग करें, उसको कैसे हम वैक्यूम करें, किस तरह से हम इसके अंदर जो है जो ड्रायर फिल्टर लगाएं और किस तरह से जो हम इसकी जो है वायरिंग कर रहे हैं, इसकी पूरी मैंने एक सीरीज बना रखी है ठीक है दोस्तों। आप उस पूरे लिस्ट में जाकर पूरी सीरीज को देखिए जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी ठीक है। 150 लीटर का रेफ्रिजरेटर है जिसमें 134A 140 ग्राम की गैस डल रही है ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इसको फ्लशिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो एक अपलोड किया है उसके अंदर मैंने आपको बताया है ड्रायर को हम किस तरह से जो है लगाएं, उसमें क्या क्या सावधानियां रखें वो मैंने पीछे वीडियो में बताया है ठीक है दोस्तों। अब आती है वो इसको फ्लशिंग करने की, इसको साफ सफाई करने की ठीक है दोस्तों। साफ सफाई करने के रास्ते पर आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर ये हमारे जो कंप्रेसर उसके आउटपुट की सारी पाइपें आपस में कनेक्ट करने के बाद आपको आउटपुट पाइप यहाँ पर लाने हैं जिसको हम सक्शन बोलते हैं ठीक है दोस्तों। जब भी आप फ्लशिंग करें वो आपको सक्शन पाइप से की जाती है ठीक है दोस्तों। आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये जो सक्शन पाइप आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये आपको जो सक्शन पाइप नज़र आ रही है इसमें आपको आगे की तरफ इस तरह हाथ रखना है ठीक है दोस्तों। और कंप्रेसर को जो है मशीन को जो है चालू करना है। मशीन को चालू करने के बाद जो भी अंदर से ऑयल वगैरह कचरा निकलेगा वो आपको जब तक साफ कर देना, जब तक कि कोई निकलने ना पाए, किसी तरह कोई बाहर ऑयल वगैरह ना आने पाए, जब तक आप उसको क्लीन करते रहना है। उसके अंदर चाहे बोलिए आपको आधा घंटा लगे, चाहे एक घंटा लगे, 10 मिनट लगे, आपको पूरा साफ सफाई करने के बाद ही वहाँ उसको छोड़ना है ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके अंदर जो है आपको फ्लशिंग करके बताता हूँ। अब मैंने जो है कंप्रेसर को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर आगे जो मैं हाथ रखता हूँ, अभी देखिए दोस्तों मेरे हाथ में कोई तरह का ऑयल वगैरह नहीं है ठीक है दोस्तों। अब मैं जैसे इसके ऊपर हाथ रखूंगा आपको ऑयल वगैरह नजर आएगा। ये देखिए आपको दोस्तों नज़र आया होगा किस तरह से अंदर कितनी गंदगी का ऑयल जो है बाहर आ रहा है। इस तरह से आपको जो है पूरा फ्लशिंग करना है जिससे कोई अंदर किसी तरह का ऑयल ऊपर पाइपों में ना रहे, जिससे हमारे कूलिंग में कोई इफेक्ट ना हो। आपको पूरा अच्छे से साफ करना है जिससे हमारी कूलिंग अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर हो सके। देखिए दोस्तों कितनी गंदगी से ये जो है फ्लशिंग का कचरा जो है बाहर निकल रहा है। इस तरह से आपको जो है पूरा जो है फ्लशिंग करना है।